स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि RPSC सेकेंड ग्रेड 2018 की काउंसलिंग जो है विभिन्न विषयों की हो रही है, TSP क्षेत्र को वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको तो ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, तो नॉन TSP के अंदर उर्दू, सिंधी और पंजाबी इनकी काउंसलिंग भी हो गई है और ज्वाइनिंग भी मिल गई है। अब नॉन TSP के अंदर गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, ये जो हैं नॉन TSP वाले विषय, इनकी जो काउंसलिंग होनी बाकी है अभी, तो इनका जो कार्यक्रम है वो 20 तारीख से स्टार्ट है, 22 तारीख से इंग्लिश का ये स्टार्ट है। तो ये प्रेस नोट बीकानेर संभाग के लिए है, तो इसके अंदर विभिन्न विषयों की काउंसलिंग, दिनांक, समय, किस तरह से वो प्रोग्राम रहेगा वो सब अपने इसमें देखेंगे। तो ये आप सबसे पहले देखें कि कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर, पदस्थापन परामर्श सूचना है इसके अंदर, और गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान नॉन TSP के पदों हेतु इसके अंदर बीकानेर संभाग के सभी अभ्यर्थियों की जो है किस तरह से काउंसलिंग समय रहेगा उसकी सूचना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि परामर्श कैंप स्थल क्या रहेगा। कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग, जो कार्यालय है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग का करणी सिंह स्टेडियम के सामने, वो काउंसलिंग का परामर्श कैंप स्थल है। ठीक है, तो किस तरह से किस विषय की किस दिन काउंसलिंग है आप वो देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की देखेंगे, 22 अगस्त 2020 शनिवार को इसकी काउंसलिंग है, 103 अभ्यर्थी इसके लिए है, 103 सीटें हैं बीकानेर संभाग में। सुबह 8 से 10 बजे पंजीयन समय है, रजिस्ट्रेशन होगा और आपके सर्टिफिकेट्स की जांच होगी, और वरीयता निर्धारण जो है 10:30 से 11 बजे होगा, कि किस वरीयता से वो उन्होंने किस तरह बुलाना है वो 10:30 से 11 बजे तक होगा। और सुबह 11 बजे जो है काउंसलिंग होगी कि आप स्कूल चॉइस करेंगे अपनी वरीयता के अनुसार जैसे जैसे आप बैठे होंगे। इसी तरह से गणित का रहेगा, डेट है 24-23 को गैप है, संडे है इसलिए 24 अगस्त 2020 को गणित के 121 सीटों पर, बाकी सब वही 8 से 10 बजे पंजीयन और 10:30 से 11 बजे वरीयता निर्धारण और सुबह 11 बजे ये हो जाएगा आपका काउंसलिंग समय। इस तरह से साइंस का 26 अगस्त 2020 बुधवार 118 सीटें हैं, सुबह 8 से 10 बजे जो है पंजीयन समय है, सुबह 10:30 से 11 बजे वरीयता निर्धारण और 11 बजे जो आप स्कूल चॉइस करेंगे अपना अपनी वरीयता के अनुसार। इसी तरह संस्कृत करेगा, उसकी डेट 28 तारीख है, टाइम वही है 8 से 10, 10:30 से 11 और 11 बजे। सामाजिक विज्ञान विषय को बिंदु संख्या सी के अंतर्गत रखा गया है, इसके अंदर क्या है वो अपने एंड में देखेंगे, वीडियो पूरी देखना, इसके बारे में अपने एंड में बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए स्पेशल है, इनको अलग रखा गया है। हिंदी, हिंदी विषय के लिए 3 सितंबर से आपको पता है शुरू है और 5 सितंबर तक इनकी काउंसलिंग है, तो बीकानेर संभाग की जो काउंसलिंग है वो 3 सितंबर को हो रही है और 122 सीटों पर हो रही है, सुबह 8 से 10 बजे का वही पंजीयन समय, पात्रता उनके प्रमाण पत्र जाँच, और सुबह 10:30 बजे वरीयता निर्धारण और 11 बजे स्कूल चॉइस। अब ये देखिए, अब रिक्त पदों की सूची की बात आएगी, रिक्त पदों की सूची कैसे पता चलेगी कौन से स्कूल में कितने पद, कहाँ कौन सा स्कूल है वो खाली है, तो उन्होंने ये लिखा है कि रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची परामर्श शिविर से एक दिन पूर्व विभागीय वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो इस लाइन को आप अच्छे से दोबारा पढ़ लेना, चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची में पदस्थापन हेतु एक दिन पहले वो सूची आ जाएगी आपके रिक्त पदों की। ठीक है, अब ये जो है वरीयता किस तरह रहेगी वो है, 40% से अधिक दिव्यांग सक्षम अधिकारी से विधवा महिला, 50% के स्टाम्प पेपर लेके जाएंगे, उसके ऊपर पुनर्विवाह नहीं किए जाने का जब काउंसलिंग दिनांक तक का। इसी तरह परित्यक्ता महिला, इनका सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन की डिग्री और 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, एकल महिला 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, काउंसलिंग दिलाग तक अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि ये भूतपूर्व सैनिक है,
पति पत्नी इसके अंदर है कि पति पत्नी पूर्व से अगर कहीं जॉब में है गवर्नमेंट के अंदर बीकानेर संभाग के अंदर, तो वो अपनी वरीयता को खुद बता सकते हैं कि हम इस संभाग के अंदर ऑलरेडी जॉब में हैं, तो मुझे भी इसी संभाग के अंदर इस जिले के अंदर चाहिए सीट, तो उनको भी इसके अंदर वो मिलेगी, कोटा मिलेगा, उनका भी ये स्थान निश्चित होगा, वरीयता मिलेगी उनको, वो सिक्स्थ नंबर पे हैं। सेवन्थ नंबर में है पति पत्नी प्रकरण, जो पति पत्नी दोनों ही जो उन्होंने पेपर दिया है, चयन हुआ है उनका और बीकानेर संभाग के अंतर्गत है, तो जिसकी वरीयता पहले है और बाद में है वो इसका चयन खुद कर सकेंगे और विवाह प्रमाण पत्र इसमें देना होगा, ठीक है जी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अभी स्कूल्स की रिक्त पदों की लिस्ट भी आएगी, और आपके भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग लेटर जो विद फोटोज़ और आपके आएंगे वो भी आएंगे, तो उसके लिए भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप लेट ना हो जाएं किसी भी जानकारी से, ठीक है जी। ये आप पढ़ना इनको और पूरी तरह से, ठीक है। ये 7 पॉइंट इसके आगे भी हैं। आठवें के अंदर शहीद परिवार आश्रित अविवाहित पुत्री वीरांगना, शहीद परिवार की जो आश्रित जैसे कि उनकी पत्नी है, ये उनके संबंध में अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनको आठवें नंबर पे वरीयता के अंदर रखा गया है। अगर उनकी पुत्री है और वो अविवाहित है तो उसको भी वरीयता के अंदर आठवें नंबर पे रखा गया है, बुलाया जाएगा, ठीक है। पहले ये हो जाएंगे दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, जो भी अपनी लिस्ट के अंदर है, उसके बाद ही आठवें पे। फिर है महिला अभ्यर्थी मैरिड वुमेन, और फिर है बाकी सभी शेष मेल आ जाएंगे इनमें, ठीक है। इस तरह से इनको बुलाया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे 10:30 से 11 तक काउंसलिंग का समय रहेगा। अगर किसी की वरीयता के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि मैं तो भाई पहले आता हूँ वरीयता के अंदर, इसके अनुसार मुझे बाद में लिया है, तो आप उसी समय उनको 10:30-11 के मध्य बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कोई बात नहीं अपनी सुनेंगे, ओके। हाँ जी, अब है ये सामाजिक विज्ञान विशेष के लिए नोट है। राज्य सरकार की COVID-19 के तहत जारी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके लिए उक्त विषय के परामर्श शिविर की प्रक्रिया के लिए अन्य विषयों से इतर व्यवस्था की जा रही है, उनको कहीं अलग बुलाया जा रहा है। तो काउंसलिंग वरीयता का जो निर्धारण है वो काउंसलिंग तिथि से पूर्व किया जाएगा, एक शाम पहले कर दिया जाएगा आपकी वरीयता का निर्धारण। उसकी जो आपको सूचना है वो ऑनलाइन या जहाँ पे अपना कार्यालय होगा आपका, उस पर चस्पा कर दी जाएगी आपकी लिस्ट। और अगले दिन क्या होगा, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके प्रमाण पत्र और वो सब दिखा के और अपनी काउंसलिंग करानी होगी, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, अभ्यर्थी ज़्यादा है, ठीक है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप विभागीय ये वाली जीमेल की आईडी है इस पर अपनी जो भी बात है आप उनको मेल कर सकते हैं 27/8/2020 तक 6:30 बजे तक। इसके बाद वो कोई बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। 28/8/2020 को विभागीय वेबसाइट पर आपकी जितनी भी जो जानकारी होगी, वरीयता होगी, वो सब अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा आप पहले बात कर लेना 6:00 बजे तक। इसका भी 6:00 बजे है, और लास्ट 29/8/2020 को 6:00 बजे तक जो है आवेदन प्रमाण पत्र व शपथ पत्र मेल के जरिए प्रेषित करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसको आप फिर से दोबारा पढ़ना पूरा कि आप 27/8/2020 समय 6:00 बजे तक अपनी आपत्ति मेल द्वारा करवा सकेंगे। मेल से प्राप्त आवेदन पत्र शपथ पत्र को सम्मिलित करते हुए वरीयता सूची 28/8/2020 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उक्त में किसी को विशेष श्रेणी में वरीयता निर्धारण के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 29/8/2020 को 6:00 बजे तक आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र व दिनांक 30/8/2020 को जो फाइनल लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। ये है इसके अंदर। अब ये देखो सामाजिक विज्ञान का क्या समय रहेगा, कुल 300 कैंडिडेट है। 31/8/2020 सोमवार है, जो उनकी वरीयता निर्धारण विभागीय वेबसाइट पर आएगी उसके अनुसार 1 से 9 तक मिल जाएगा उनको।
वरीयता मिल जाएगी। फिर 8 से 10 बजे तक आपका पंजीयन समय वो होगा और प्रमाण पत्र जांच हो जाएगी, और 11 बजे आप स्कूल चॉइस करेंगे। और 1, 9, 2020 को विशेष श्रेणी के अलावा, ये तो हो गए जिनको आरक्षण मिला है, जो विशेष श्रेणी है उनको वरीयता के अनुसार 1 से 9 जो अपने उन्हें ऊपर बिंदु संख्या देखी, उसके अलावा जितने बचेंगे उनको 1 सितंबर को बुलाया, 8 से 10 वही उनका कार्यक्रम रहेगा और 11 बजे वो स्कूल चॉइस करेंगे। अब ये आपको क्या क्या लेके जाना है इसके अंदर आप पढ़ना। इसके अलावा भी मैं आज डॉक्यूमेंट की और दिशा निर्देशों की एक वीडियो बना दूंगी, आप उसमें स्पेशली देख लेना कि क्या क्या है, किस तरह से उनको अरेंज करना है, लेके जाना है, तो वो अपने उसमें देखेंगे। और बाकी इन सबको कौन कौन से प्रमाण पत्र लेके जाने हैं आप सब इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके या किसी तरीके। ये आज की वीडियो में इतना ही, और ये आप ज़रूर पढ़ेंगे 1 से 5 कौन कौन से प्रमाण पत्र कैसे बनवाने हैं। प्रमाण पत्रों के बिना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहें, और प्लेलिस्ट ज़रूर देखें जाके। बाकी सभी विषयों की अगर आपको किसी और के लिए भी जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी सभी वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।